ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए शासन के दौरान देश की खराब आर्थिक स्थिति को उजागर करने वाला श्वेत पत्र प्रस्तुत किया है। इससे पहले संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस ने 2014 से पहले देश की जो आर्थिक स्थिति की थी उसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इस बीच कांग्रेस सरकार के खिलाफ श्याम पत्र लेकर आई है। नई दिल्ली में दस्तावेज जारी करते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार देश में बेरोजगारी जैसे मुख्य मुद्दों पर बात नहीं करती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने श्याम पत्र को लेकर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की नीतियां नहीं चल पाईं। उनके कार्यकाल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था स्थिति सही नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस उनकी सरकार के खिलाफ जो श्याम पत्र लाई है वे उनकी सरकार के लिए बुरी नज़र से बचाने के काले टीके की तरह है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश के विकास के लिए कार्य करती रहेगी। राज्यसभा में जिन सदस्यों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है उनके विदाई समारोह में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने अपार योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस प्रकार सदन और देश का मार्गदर्शन किया वह हमेशा याद किया जाएगा। सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विधेयकों को जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए और उन पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ चर्चा तथा बहस लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवागमन की व्यवस्था खत्म करने की घोषणा की है। देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार की सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकी संरचना बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी हर राज्य में विफल रही है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी सफल रही है। श्री ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को देखकर खुश नहीं है। दिसंबर 2023 में 8 प्रमुख उद्योगों में कोयला क्षेत्र ने लगभग 10.6% की वृद्धि दर्ज की है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष अप्रैल से दिसंबर के दौरान संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.5% बढ़ा है। कोयला क्षेत्र ने पिछले 6 महीनों में दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज करते हुए 8 प्रमुख उद्योगों की समग्र वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 21वीं पशुधन गणना के लिए सर्वेक्षण कार्यक्रम पर चर्चा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों का आकलन किया गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव अलका उपाध्याय ने नई दिल्ली में इस बैठक की अध्यक्षता की। मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि 21वीं पशुधन जनगणना 2024 में होनी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिसंबर 2023 तक 16,400 से अधिक ई सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक 1,000 से अधिक ई सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज कांग्रेस सांसद धीरज साहू को 10 फरवरी को पेश होने का समन जारी किया है। सूत्रों ने कहा है कि नई दिल्ली में केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने सोरेन के दिल्ली आवास से जो लग्जरी कार जब्त की थी जिसे कथित तौर पर धीरज साहू ने उपलब्ध कराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।